चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, सॉल्यूशन ठीक है। क्या कहा गया आपको क्वेश्चन? अ टैक्सी फेयर इज इन अ सिटी इज एज फॉलोज। देखो फर्स्ट, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपीज एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 per kilometer। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैंने सिर्फ 1 किलोमीटर ट्रेवल किया है ना, मैं यहाँ लिखता हूँ डिस्टेंस ट्रेवल हम लेते हैं एक्स, एक्स इक्वल टू 1 ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल अगर 1 किलोमीटर जाएंगे तो ₹8 लगेंगे ठीक है, और अगर हम 2 किलोमीटर जाएंगे एक्स इक्वल टू 2 यहाँ लिख लेंगे लेट डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एक्स हमने लिया ठीक है, एक्स किलोमीटर। अगर 2 किलोमीटर गया मैं तो क्या होगा, फर्स्ट 8 किलोमीटर के तो 8 रुपीज लगेंगे है ना, ये हमें नहीं देखो, ये पहला जो 1 किलोमीटर होगा उसके आपको 8 रुपीज लगेंगे, फिर अगला जो 1 किलोमीटर रहेगा उसके आपको कितने रुपए लगेंगे, 5 रुपीज। पता है ना टैक्सी में होता है मीटर डाउन, मतलब पहले आप मीटर डाउन कर देते हो तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए कुछ फिक्स चार्ज होता है, इस केस में इस सिटी में 8 रुपीज फिक्स चार्ज है, मतलब 1 किलोमीटर जाओ या ना जाओ, पहला 1 किलोमीटर ट्रेवल करो ना करो वो आपसे 8 रुपीज चार्ज कर लेगा टैक्सी वाला है ना। हाँ अगर आप 1 किलोमीटर से आगे जाते हो तो 1 किलोमीटर के बाद जितना भी 1-1 किलोमीटर बढ़ेगा उसके लिए 5-5 रुपए बढ़ना शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि 8-8 रुपए बढ़ना शुरू, सही है। तो वही कंडीशन आप लिख रहे हैं, अगर आप 3 किलोमीटर जाओगे सही है तो पहला 1 किलोमीटर 8 रुपए में जाएगा, दूसरा आपको अगला 1 किलोमीटर आपको 5 रुपए में पड़ेगा, और थर्ड वाला जो किलोमीटर होगा आपको फिर 5 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा है ना, तो ये सिनारियो चलने वाला है। बट अगर हमको अभी प्राइस पूछी जाए कि कितने रुपए लगेंगे आप कुछ किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप हमेशा ये ध्यान रख रहे हो कि आप जो जितना भी किलोमीटर दिया है उसमें से पहला किलोमीटर तो आपको 8 रुपीज से लगेगा, उसके बाद के 1-1 हर 1 किलोमीटर के लिए आपको 5-5 रुपीज लगेंगे। तो मान लो चलो भाई ऊपर वाला छोड़ देते हैं, नीचे वाला समझते, देखो 3 किलोमीटर वाला समझते, तो मुझको क्या करना पड़ेगा, 8 × 1 रुपीज करना पड़ेगा पहला 1 किलोमीटर के लिए, फिर अगले 2 किलोमीटर के लिए मुझको 5 × 2 करना पड़ेगा, ये मिलेगा मुझको प्राइस किसका अगर 3 किलोमीटर में ट्रैवल करता हूं, सही है। अभी हम प्राइस पे फोकस नहीं कर रहे, अगर हम 4 किलोमीटर जाते हैं x इक्वल टू 4 तो पहले 8 फिर 5 5 5 ऐसा लगेगा, मतलब फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए 8 × 1 किया मैंने, और उसके बाद बाकी बचे हुए 3 किलोमीटर मैंने क्या किया, इसमें से -1 किया तो 3 आया ना 4 किलोमीटर से, तो उसमें 1 माइनस करना पड़ेगा, तो बचे हुए 3 किलोमीटर के लिए मेरे को 5-5 रुपए लगने वाले हर किलोमीटर के लिए, 3 बार आया ना 5, देखो समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही अगर मैंने n किलोमीटर ट्रैवल किया, n किलोमीटर या y किलोमीटर ट्रैवल किया, चलो x इक्वल्स टू y दिया, y इज द नंबर ऑफ किलोमीटर यू ट्रैवल, तो पहला जो रहेगा 8 रहेगा, और फिर क्या रहेगा 5 5 5 5, कब तक रहेगा ये 5 5, y माइनस 1 टाइम्स रहेगा ना, समझ में आ रहा है। तो अगर मुझको अब अमाउंट निकालना हो y किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए, तो मैं करूंगा 8 × 1 प्लस जो y किलोमीटर था उसमें से 1 माइनस करूंगा, इतने किलोमीटर बचे और इनका प्राइस पर किलोमीटर 5 रुपीज, इतना टोटल फेयर लगेगा मुझको y किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए, सही है। तो ये तो सिनारियो लिख लिया, बस अब मैं यहाँ के लिखूंगा बस, एंड दूसरा वाला हम अज्यूम कर रहे हैं हाँ डिस्टेंस ट्रैवल, और अब हम फेयर मानते थे ये x किलोमीटर ठीक है, ये हम वैल्यूज दे रहे थे x। अब आपको पता नहीं ना x क्या है, ये तो मैंने सिर्फ समझने के लिए y लिखा है ठीक है, ये समझने के लिए लिया है ना, तो यहाँ ये गड़बड़ मत कर देना, ये इतना जो हमने अभी तक किया है ये सिर्फ समझने के लिए किया है। अब हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं फिर से, डिस्टेंस ट्रैवल आपने मान लो x किया है ठीक है, और टोटल फेयर मान लो, टोटल फेयर मतलब पूरा खर्चा आपको आया है x किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए y, हम ऐसा मान रहे हैं ठीक है, या टोटल फेयर है इसलिए हम इसको t मान लेते हैं, चलो t, स्मॉल t मानना चाहिए क्योंकि वेरिएबल जब भी हम कंसीडर करते हैं तो वो स्मॉल लेटर्स में ही होते हैं। तो बताओ टोटल फेयर क्या आएगा, 8 × 1 प्लस जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसमें से -1 करना है और उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, ये सिनेरियो देखा हमने, क्योंकि फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपीज लगेंगे और जो बचे हुए किलोमीटर रहेंगे, तो 1 किलोमीटर चला गया, टोटल किलोमीटर डिस्टेंस था हमारा x, तो 1 चला गया, बचा हुआ कितना है x माइनस 5, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे है ना, तो बचे हुए
जो किलोमीटर्स है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज और बचे हुए के लिए 5 ऐसे जो हिसाब बना, एक्स माइनस वन इंटू 5 आएगा। तो बस हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन, ये आया 8 प्लस, अब 5 से अंदर मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू एक्स 5x माइनस 5 इंटू 1 5, बस इसको अब सॉल्व करते जाना है आपको। ये 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 5x राइट। अब सब एक साइड में ला लो तो t को ओवर में इधर भेज दो तो आएगा 0 इक्वल्स टू 3 प्लस 5x माइनस t। अब इसको राइट में लिख लेते हैं, 0 को सॉरी राइट को लेफ्ट में लिखेंगे, लेफ्ट को राइट में लिखेंगे और प्रॉपरली अरेंज भी कर लेते हैं। तो ये आएगा 5x माइनस t प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये बन गया आपका लीनियर इक्वेशन जो आपको सिचुएशन दी है उसका। आप t के जगह y भी ले सकते हो, मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया था y, इसलिए मैंने y नहीं लिया, बस t के जगह y, टोटल फेयर इज इक्वल्स टू y ले लेना बस, समझ रहे हो। डायरेक्टली ये आंसर लिखोगे तब भी चलेगा, ये सिर्फ समझने के लिए, इतना जो राइट साइड का हमने लिखा है वो सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। और कोशिश करो हर बार जब भी मैं पढ़ाओ स्क्रीनशॉट्स लेते जाना चाहिए, क्योंकि फिर आपको आपके पास सारा स्क्रीनशॉट्स होंगे, फिर जब क्वेश्चन फिर से सॉल्व करोगे है ना, तो कोई अगर डाउट हो तो डायरेक्टली स्क्रीनशॉट देख सकते हो एज कंपेयर टू वीडियो फिर से देखने के लिए। वीडियो फिर से देखोगे तो उसमें और टाइम जाएगा है ना, कभी हो सकता है इंटरनेट ही नहीं चल रहा तो वीडियो देखने का फिर प्रॉब्लम, हम कहीं पे अटके ना, ठीक। अब देखिए मैंने टोटल फेयर टी कंसिडर करा था बट क्वेश्चन में उन्होंने वाई दिया है, तो जस्ट आपको रिप्लेस करना है टी के जगह पर वाई। मैंने इसलिए नहीं प्रूफ पुट किया क्योंकि मैंने यहाँ पर रख लिया था, आपको कन्फ्यूजन होता था, ठीक है ना, एक्सप्लेन करते वक्त जस्ट रिप्लेस टी बाय वाई बस, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड 4.7। तो ये देखो ये लेफ्ट वाला जो है हमारा वो फिगर 4.6 ये वाले नीचे वाले उसके लिए, ठीक है। तो इन शॉर्ट क्या करना है हमको, ये जो चारों ऑप्शंस दिए हमको, चारों इक्वेशन दिए हमको, ये फाइंड आउट करना है कि ये जो लाइन ड्रॉ की है, ये जो ग्राफ है ना, ग्राफ मतलब ये लाइन, ये किसका इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा इक्वेशन इस लाइन को रिप्रेजेंट करता है, या वाइस वर्सा कौन सी लाइन ये लाइन किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, ये हमको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो सिंपल है, हमको क्या करना है, अगर इक्वेशन दिया हो तो हम ग्राफ फाइंड आउट कर सकते हैं। हमको पॉइंट्स दिए जाते थे पहले 1, 2 इस लाइन पे है क्या वाई इक्वल टू एक्स पे, तो हम क्या करते थे x की जगह 1 रखते थे, y की जगह 2 रखते थे, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए तो ये पॉइंट उस ग्राफ पे, उस लाइन पे, उस इक्वेशन में, ऐसा कहते थे। इन शॉर्ट कोई पॉइंट किसी लाइन का इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो उस लाइन पे होता है, उस पे लाया करता है, उस लाइन पे लाया करता है ना, ये पढ़ा था हमने पहले, बस यहाँ पर भी वही है। फर्स्ट y इक्वल टू x इस लाइन का इक्वेशन है क्या, मान लो अगर होगा y equals to x is the equation of this line, इसका मतलब क्या हो गया, इस लाइन पे का हर एक पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो कर रहा है क्या, हमको ये देखना है, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन बन गया y equals to 3, हम फर्स्ट चेक कर रहे हैं y equals to x, ये आंसर है क्या, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब हमारे पास में तीन पॉइंट्स दिख रहे हैं इस लाइन पे के, कौन कौन से पॉइंट्स इस पे है, ये ऊपर ही लिख लेते हैं, -1, 1, 0, 0 देखो दिख रहा है, और थर्ड पॉइंट आपको 1, -1, ये तीन पॉइंट्स है आपके पास, ये ओरिजिन और ये वाला पॉइंट डॉटेड डॉट से दिखाया अभी, तीन पॉइंट्स। अगर ये तीनों पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे, मतलब इस लाइन का इक्वेशन, इस ग्राफ का इक्वेशन होगा y equals to x, और अगर कोई भी एक सेटिस्फाई नहीं करेगा तो सिंपल है ना, तो एक एक रख के देखो, पहला वाला रख के देखते हैं, अगर मैं x की जगह पे -1 रखूं और y की जगह 1 रखूं, ठीक है, x की जगह 1 रखा, y की जगह -1 रखा, ये इक्वल आ रहा है क्या, नहीं, मतलब इस पॉइंट ने सेटिस्फाई नहीं किया है, तो ये आंसर आपका नहीं होने वाला है,
सिंपल है। सेकेंड वाला चेक करते हैं, सेकेंड क्या ऑप्शन दिया है आपको, एक्स प्लस वाई इक्व टू जीरो, सेकेंड है आपको एक्स प्लस वाई इक्व टू जीरो, बस वही यूज करो फिर, एक्स प्लस वाई इक्व टू जीरो ये सेटिस्फाई करता है। तो चलो पॉइंट कौन सा आपका, पहला माइनस वन कॉमा वन, रखो एक्स की जगह पर माइनस वन, वाई की जगह पर वन, हो गया सेटिस्फाई कर रहा है ना, जीरो आ रहा है तो पहला सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, मैं इसको नाम दे देता, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। तो पॉइंट ए के लिए तो सेटिस्फाई हो गया, पॉइंट बी के लिए सेटिस्फाई होता है क्या, देखो पॉइंट बी क्या है, जीरो कॉमा जीरो, एक्स की जगह जीरो रखा, वाई की जगह जीरो रखा, सेटिस्फाई हो गया, तो पॉइंट बी के लिए भी सेटिस्फाई हो गया। पॉइंट सी के लिए देखो, पॉइंट सी के लिए देखते सेटिस्फाई हो रहा है, पॉइंट सी क्या है हमारा, माइनस वन कॉमा वन है ना, रखो एक्स की जगह पर माइनस वन और वाई की जगह पर वन, हो गया आगे जीरो, ये भी सेटिस्फाई हो गया। मतलब इस इक्वेशन ने, एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो इस इक्वेशन ने को, ये तीनों पॉइंट्स माइनस वन कॉमा वन, जीरो कॉमा जीरो, एंड सॉरी थर्ड पॉइंट हमारा वन कॉमा माइनस वन, वन कॉमा माइनस वन, तो कुछ नहीं मैं चेंज कर देता हूँ, सही ये वन है आपका, ये माइनस वन है, फिर भी तो सेटिस्फाई कर ही रहा है ना, सिंपल है। तो अगर तीनों पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी इज लाइंग ऑन दिस ग्राफ ऑफ दिस लाइन, ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, बराबर है। और ये पॉइंट किस पे के है, इस लाइन पर के है, हाँ या ना, मतलब ही हम कह सकते हैं कि इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, ये ना होते हुए एक्स प्लस वाई इक्व टू जीरो होगा, सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आ गया, तो सेकेंड इज माई आंसर। फिर दूसरा क्यों ढूंढेंगे, आप चाहो तो क्रॉस वेरीफाई कर लो, तीनों पॉइंट रख रख के देखो इन तीनों में, अगले बचे हुए दो में है ना, तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। बाय चांस ऐसा हो गया फर्स्ट भी सेटिस्फाई नहीं किया, सेकंड भी नहीं किया, थर्ड भी नहीं किया, दोनों ने तीनों ने नहीं किया, तो एज ऑब्वियस फोर्थ भी रहेगा, फिर तो चेक करने की जरूरत भी नहीं, बट करके दिखाना चाहिए हाँ कर रहा है, क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए, समझ रहे हो। तो आंसर क्या आ गया इस केस में, अब सेकेंड एक्स प्लस वाई क्वेश्चन जीरो विल रिप्रेजेंट दिस ग्राफ, मतलब इस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, इसमें सेकेंड में 4.7 के लिए, इस ग्राफ के लिए फिर से आपको तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन दिए, हमको फाइंड आउट करना है कि कौन सा आंसर आएगा। ठीक है, तो ये पहले वाले को हम नीचे धकेल देते हैं अभी के लिए, चलिए फिर आइए सेकंड पे चेक करते हैं, y इक्वल टू x प्लस टू इस लाइन का इक्वेशन है क्या। तो पहले इस लाइन पे के जो नॉन पॉइंट्स है वो तो फाइंड आउट कर लो, इस लाइन पे कौन कौन से पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, पॉइंट ए फिर से माइनस वन कॉमा थ्री, ये पॉइंट है यहाँ पर, फिर ये देखो जीरो कॉमा टू भी एक पॉइंट है, ये पॉइंट बी जीरो कॉमा टू, और एक और पॉइंट है पॉइंट सी, कौन सा, टू कॉमा जीरो, पॉइंट सी है आपका टू कॉमा जीरो, सही है, मिल गया आपको तीन पॉइंट्स मिल गए लाइन पे के। अब मैं फर्स्ट वाला चेक कर रहा हूँ, यहाँ लिखते हैं, ठीक है, ये अभी के लिए आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए हम हटा दे रहे, ठीक है। चलो फर्स्ट क्या आपका, वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू, चेक करो वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू, रखो एक्स फर्स्ट पॉइंट ए रखो, ए के लिए चेक करो, वाई क्या है, ए का थ्री, एक्स क्या है माइनस वन प्लस टू, सेटिस्फाई हो रहा है क्या, हो रहा है क्या, नहीं, मतलब ए ने सेटिस्फाई नहीं किया। तो अगर ए ने सेटिस्फाई नहीं किया तो बाकी के क्यों चेक कर रहा, एक भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इक्वेशन को, तो फिर तो बाकी के दोनों चेक नहीं कर रहा, समझ रहे हो, जो रिमेनिंग होंगे। तो फर्स्ट वाला तो अपना आंसर नहीं है, ठीक है, तो फर्स्ट तो आंसर गया। अब चेक करते हैं y इक्वल टू x माइनस टू आंसर है क्या, सेकेंड है y इक्वल टू x माइनस टू, चलो वैल्यूज रखो,
पॉइंट ए, पॉइंट ए क्या है आपका माइनस वन कॉमा थ्री, रखो y की वैल्यू है 3, x की वैल्यू है माइनस वन, ये आंसर आएगा माइनस 3 राइट हैंड साइड में, लेफ्ट में 3 है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ये भी गया, आगे के तो चेक करना ही नहीं है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सेकंड ऑप्शन भी गया। थर्ड चेक करते हैं, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू, थर्ड ऑप्शन y इक्वल टू, थर्ड ऑप्शन चेक कर, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू, पॉइंट ए क्या है आपका फिर से ऊपर क्या है माइनस वन कॉमा थ्री, जीरो कॉमा थ्री, टू कॉमा जीरो, माइनस वन कॉमा थ्री, टू कॉमा जीरो, जीरो कॉमा टू है, सी ऑप्शन है टू कॉमा जीरो, ठीक है। पॉइंट ए फिर से रख के देखो, ए पॉइंट के लिए ये मैं ऐसा डिनोट कर रहा हूं, सिर्फ ऐसा लिख नहीं सकते आप, वाई की जगह टू रखो, एक्स की जगह पर माइनस वन रखो, जब भी रखो तो ब्रैकेट में रखो, ये थ्री है, ठीक है थ्री है। चलो देखो ये माइनस माइनस प्लस वन होगा प्लस टू, तो थ्री इक्वल टू थ्री आया, मतलब ए तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब थर्ड के लिए देखते हैं हम बी, थर्ड के लिए बी, बी सेटिस्फाई कर रहा है देखते थर्ड, ठीक है ना। तो बी के लिए एक्स है आपका जीरो और वाई है टू, रख के देखो इसमें इक्वेशन क्या है आपका, फिर से लिखते वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू, ठीक है ना। क्या लिख दिए रख के देखो, अगर आप सब हटा देते, रखो y क्या आपका टू और x की जगह अगर आप जीरो रख दो तो सेटिस्फाई हो रहा है, ये जीरो प्लस टू टू, बी पॉइंट बी सेटिस्फाई कर रहा है ना ये इक्वेशन। अब सी के लिए मैं यही लिख देता हूँ, सी पॉइंट के लिए चेक करने वाले है ना, इक्वेशन फिर से लिखेंगे y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू, सी पॉइंट के लिए x टू है y जीरो है, बाकी ना देख लो है, बस y की जगह रखना है आपको जीरो और x की जगह रखना है टू, सेटिस्फाई हो गया, हो गया, सी भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब जो थर्ड ऑप्शन है वही आपका पॉइंट ए बी एंड सी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इन शॉर्ट जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा आंसर है, राइट सही है। तो चलो फिर क्या आंसर आ जाएगा फिर, थर्ड मतलब y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, यहां लिख सकते हो y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू, लास्ट में लिख लेना बिकॉज ऑल द पॉइंट्स आर सेटिस्फाइंग, यहां लिख लेंगे एज पॉइंट ए विच इज, पॉइंट ए क्या था आपका माइनस वन कॉमा थ्री, बी जीरो कॉमा टू एंड सी टू कॉमा जीरो, आर सेटिस्फाइंग इक्वेशन वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द गिवन ग्राफ इज y equals to minus x plus 2, ये आपका आंसर है। ये तो आपने रीजन लिखा है ना, समझ रहे हो, बस ऐसे सॉल्व करना है। इन शॉर्ट जो इतना बड़बड़ किया हमने, सिंपल है, आपको क्या करना है, जो लाइन जो ग्राफ दिया होगा उसके पॉइंट्स उठाओ, इक्वेशन में रख के देखो, सारे पॉइंट्स जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Now the next question, question number 6. If the work done by the body on the application of constant forces is directly proportional to the distance traveled by the body, ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखो सॉल्यूशन लिखा, पहले जो समझ रहे हो, work done जो है, let work done equals to W मान, ठीक है, फिजिक्स में करते तो ना, और directly proportional to the force, बराबर है, वर्क डन
क्या बोला है, इफ द वर्क डन बाय द बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स लगा था उसके लिए वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं क्योंकि उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। तो मैं लिख लेता डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज स्मॉल डी से बनाते, ये स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डी से बताया डिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ फिर फ्रॉम द गिवन कंडीशन, देखो फ्रॉम गिवन कंडीशन क्या होता है, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हेन द एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्सेस देयर। अब आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल याद है फिजिक्स में, मतलब जैसे जैसे वर्क बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे वर्क कम होगा वैसे वैसे डिस्टेंस कम होगा, ऐसा कहना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है। तो अगर आपको ये इक्वालिटी में कन्वर्ट करना होता तो आप यहाँ पर एक कांस्टेंट के लगाते थे, है ना, बट यहाँ पर कांस्टेंट के ना लगते हुए जो चीज अप्लाई हो रही है कांस्टेंट वो लगेगी, कांस्टेंट फोर्स लगेगा, समझ रहे हो, और इस कांस्टेंट फोर्स की वैल्यू भी शायद हमको दी होगी। एक्सप्रेस दिस टर्म इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, कर दिया हमने इक्वेशन में W इक्वल्स टू F इनटू D, बराबर है, इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, हमने जो भी लिखा है तीन वेरिएबल लिख रहे हैं, एक W एक F और एक D, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम, इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स, ये जो कांस्टेंट फोर्स है हमारा F है ना, कांस्टेंट कंसीडर कर रहा था, हियर F इज माय कांस्टेंट, ठीक है, उसकी वैल्यू भी दी है 5D, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन कन्वर्ट हो गया ना, समझ रहे हो, ये तो कन्वर्ट कर दिया, मैंने बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए, तो इसको ऐसा लिख सकते हो W माइनस 5D विल बी इक्वल टू 0, दिस विल बी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। अब आपको बोला है ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज, मतलब डी की वैल्यूज दी रहेंगे डिस्टेंस की और आपको वर्क डन निकालना पड़ेगा बाय रीडिंग द ग्राफ, ये बोला है, तो पहले तो ग्राफ प्लॉट करने पड़ेगा ना, बोला है ना ड्रॉ द ग्राफ, चलो ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल था तो हमने ग्राफ प्लॉट करना देखा था फर्स्ट क्वेश्चन में, तो चलो फिर से वही कॉन्सेप्ट, ये हमारा ग्राफ आ गया, ग्राफ पेपर साइड में रख देते हैं इसको, इसमें हम ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। तो पहले हमने क्या किया था, डी की वैल्यूज रखते जाएंगे जैसे एक्स और वाई में, एक इसकी वैल्यू रखते जाओ दूसरा निकालते जाओ, है ना, तो दो पॉइंट चाहिए, तो मैं अगर डी 1 रखूं तो डब्ल्यू कितना होगा, डी 1 रख दो तो 5 × 5 तो वर्क डन कितना हो जाएगा 5, तो इफ डी इज इक्वल टू 1 डब्ल्यू इक्वल टू 5। सेकेंड अगर डी मैंने 0 रख दी, 0 रख दी तो वर्क डन कितना होगा 5 × 0, 0 आ जाएगा यहाँ पर, है ना, समझ लो डी की जगह 0 रख दिया तो वर्क डन कितना हो जाएगा फिर 0, अगर डिस्टेंस डी 0 रख दिया तो डब्ल्यू भी 0 हो जाएगा, राइट, दो पॉइंट्स मिल चुके, टेबल बनाओ तो थोड़ा और क्लियर होगा, ये आपका डी ये डब्ल्यू, ठीक है। अब बताओ आपको क्या दिया, डिस्टेंस 1 है तो आपने निकाला वर्क 5 है, डी 1 है तो डब्ल्यू 5 है, डी 0 है तो डब्ल्यू भी 0 है, दो पॉइंट्स मिल गए, इनको नाम दे दो, पॉइंट ए क्या आ जाएगा 1.5, है ना, एक्स कोमा वाई, और पॉइंट बी क्या आएगा फिर से एक्स कोमा वाई, मतलब 0.0, ये पॉइंट बी मतलब ही ओरिजिन है ना, तो पॉइंट बी नाम ना देते हो पॉइंट ओ नाम दे देते क्योंकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ना फिर, सही है, इसलिए यहाँ इसको ओ नाम देते, जरूरी नहीं है ए बी देना है, आप जो चाहे वो नाम दे दो, ए बी सी डी पी क्यू आर एस लिखते जाओ, बट सिर्फ कैपिटल लेटर्स यूज करो पॉइंट डिनोट करने के लिए, ठीक है। अब दो पॉइंट्स मिल गए, दो पॉइंट्स मिल चुके हैं हमको, लीनियर इक्वेशन है लाइन रिप्रेजेंट करता है, तो दो पॉइंट्स निकालेंगे, दो पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट करते थे हम और उसको स्केल से ज्वाइन कर लेते थे, सेम केस हम अभी भी करेंगे, तो चलो फिर ये हमारा लाइन, ठीक है, अब यहां से ड्रॉ करते हैं, देखो ये वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया,
ये वाई एक्सिस आ गया, अब एक्स एक्सिस भी निकाल लेते हैं। ठीक है, ये एक्सिस नाम भी दे देंगे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आपका आया ओरिजिन, ठीक है ना, ये वन, ये टू, ये थ्री, इधर ये वाला माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, सिंपल है। अब मुझको पॉइंट करना है, डी प्लॉट करना है, पॉइंट ए कहां पर आएगा बताओ, वन कॉमा फाइव, चलो ये वन, ये टू, थ्री, फोर, फाइव यहाँ कहाँ आएगा, सही है ना, ऊपर आएगा ये वाले लाइन, तो वन कॉमा फाइव पॉइंट कहाँ आएगा, यहां पर आएगा। देखो थोड़ा बियर विथ में, चलो हम ऐसा करते हैं, निगेटिव डायरेक्शन में जा नहीं रहा है ग्राफ, इसलिए हम क्या करते हैं सब हटा देते हैं, जो हमारा एक्स एक्सिस है ना उसको नीचे ले लेते, आपको अच्छे से समझेगा फिर, ठीक। निगेटिव में नहीं है ग्राफ इसलिए मैं नीचे ले लेता, ऊपर नीचे जा रहा है, समझ हमारे डायग्राम तो ढंग से हो। ठीक, ठीक है, थोड़ी सी ऊपर चलेगी, अब ज्यादा हम नहीं इस पर फोकस करेंगे, आप थोड़ा कंसीडर कर लो कि वो वहीं पर है, इसी लाइन पर है, ठीक है, थोड़ा मैं इसको डार्क कर देता हूँ, आप मत करना, आप प्रॉपर स्केल से निकालना, इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है इसलिए हमने कर, ये हुआ मेरा पॉइंट वन, ये हुआ टू, ये हुआ थ्री, इधर होगा माइनस वन, ये हुआ माइनस टू, ये हुआ माइनस थ्री, एक्स एक्सिस है ना, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब ये ऊपर का वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, चलो थोड़ा जूम कर लेते तो आपको क्लियर होगा, हाँ ठीक है, आ गया। अब आपको एक पॉइंट दिया गया है, पॉइंट ए क्या है आपका, क्या है, वन कॉमा फाइव, तो पॉइंट ए हमको प्लॉट करना है, वन कॉमा फाइव, वन कॉमा फाइव कहाँ रहेगा बताओ, यहां रहेगा, सही है ना, वन कॉमा फाइव, क्योंकि देखो फर्स्ट क्वार्टर में देखो ये परपेंडिकुलर डालू तो एक्स एक्सिस को वन में कट करेगा, इधर परपेंडिकुलर डालो तो y एक्सिस को 5 में कट करेगा, तो बराबर 1.5 इज पॉइंट ए, ये पॉइंट ए मिल गया। उसके बाद आपको ओरिजिन प्लॉट करना है, तो ये ओरिजिन हो गया 0.0, ये आपका पॉइंट सेकंड वाला पॉइंट है, तो दो पॉइंट मिल चुके हैं, समझाने के लिए हमने इसको गोल भी कर दिया, बस अब इसको ज्वाइन कर लेना है हमको, सही है। हम इसको ज्वाइन कर लेंगे, स्केल से ज्वाइन करोगे प्रॉपर, देखो एग्जैक्ट जाना चाहिए, ठीक है, चलेगी लाइन दोनों पॉइंट में से पास होने वाली लाइन ड्रॉ कर दो, ये लाइन क्या डिनोट कर रही है, W माइनस फाइव डी इक्वल्स टू जीरो, ये इक्वेशन था ना हमारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, आपने ऐसा ऐसा लिखना, मैंने ऐसा लिखा, ठीक है। अब आपको आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, हाफ पार्ट तो आपका सॉल्व हो चुका है, इसके बाद उसने क्या क्वेश्चन पूछा था आपसे कि अगर डिस्टेंस ट्रेवल टू यूनिट्स हो तो वर्क डन क्या होगा वो बताओ, डिस्टेंस ट्रेवल, आपने देखो जो वर्क डन है वो वाई एक्सिस पे बताया है, और जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है
जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो आपने एक्स एक्सिस पर बताया है ना, सही है। नेगेटिव डिस्टेंस नहीं होता है, मतलब वो दूसरी डायरेक्शन में डिस्टेंस होता है, ये फिजिक्स में पढ़ा हो। तो अगर डिस्टेंस ट्रेवल टू हो, चलो तो वर्क डन क्या होगा, पढ़कर बताना है वर्क डन क्या होगा, ये हमको ग्राफ पढ़कर बताना। तो अगर आप इस ग्राफ को आगे आगे लेके जाओगे तो बस अभी मैंने ड्रॉ नहीं किया, ये आपकी जिम्मे, आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ टू से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क डन टू माना है ना, सॉरी डिस्टेंस कवर्ड टू माना है। तो बस ये परपेंडिकुलर, ये जो लाइन है ना, इससे सीधा जाते जाओ, जहां पर ये लाइन है, ये वाली लाइन हमारी कौन सी, ये वाली जो ऐसे चलते जाओगे ना, जहां ग्राफ को आगे जहां जाकर टच हो जाएगी, कट हो जाएगी। मान लो यहाँ कहां पे कट होगी, यहाँ कट होगी, तो बस ये जो वैल्यू रहेगी W की, ये वैल्यू Y की, वही आपकी W की वैल्यू रहेगी, और वो क्या आएगी, 10 आएगी, 10 पे कट करेगा, 10 पे। मैंने कैसे का बता दिया, मैंने D की जगह पर 2 रख दिया और W मिल गया मुझको 10। तो बस आपको ये क्या करना पड़ेगा, इस केस में ग्राफ थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है। मेरे लिमिटेशन से अगर हम फिर से अगर बनाने जाएंगे तो फिर बनते जाएंगे, सिर्फ मैं इतना बता रहा हूँ, एक शॉर्टकट याद रखना है, टू से सीधा जाना है परपेंडिकुलर, और इसको वर्डिंग में लिखना, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस एट टू, ये ड्रॉ कर लेना ऐसा परपेंडिकुलर, चाहो तो ये वाला तो हम ड्रॉ कर सकते, ये परपेंडिकुलर आप ऐसा ड्रॉ कर लेना। साइड में एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा, पर ऐसा कुछ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना टू से जाने वाला, जहां पर लाइन को कट हो जाएगा, तो लाइन को मैं पकड़ के लाइन को भी बड़ा कर देता हूं, जहां पर लाइन को कट होगा, है ना, यहाँ पर जैसे अब एग्जैक्टली अगर देखोगे तो ग्राफ थोड़ा चेंज हो गया, क्योंकि वो तो मैंने हम अप्रोक्सीमेटली दिया था। यहाँ पर ये वैल्यू देखोगे यहाँ पर, तो ये क्या आएगी, 10 आएगी, और आपको अगर एग्जैक्टली आना भी है, ये भी क्रॉस वेरीफाई करना है, तो डी इक्वेशन में भी रख के देखने का, डी 2 आया तो W 10 आना चाहिए, और ग्राफ में भी 10 ही आना चाहिए, सही है। तो बस लिख लेना, 2 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, जहां पर एक्स अपने ग्राफ को कट करेगा, वहां से उस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे, सही है ना। देखो ये वाला, फिर से मैं फोकस करो, समझने पे फोकस करो। अगर हम इस ग्राफ को हमारे और आगे बढ़ाते, है ना, तो ये देखो, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, मिला है हमको, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और यहां से अगर आप हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करोगे तो वाई एक्सिस को जहां कट करेगा वो आपका पॉइंट मिल जाएगा, ये पॉइंट होगा 2, 10, जो कि इंटरसेक्शन है वर्टिकल का और आपके लाइन का, तो डी 2 है, तो वर्क डन 10 आ जाएगा बस। उसके बाद फिर आपको दूसरा कंडीशन क्या दिया है, अगर डिस्टेंस 0 यूनिट्स हो तो वर्क डन क्या रहेगा, तो एक्स 0 पे आओ, यहाँ है ना एक्स 0, तो वाई क्या है, यहाँ पर 0 ही है, सही है, x 0 तो y भी 0 ही है, ये तो दिख ही रहा है ग्राफ में ही दिख रहा है, तो वो भी फ्रॉम द ग्राफ वी कैन सी, इफ d इज इक्वल टू 0, w इज इक्वल टू 0, दैट इज डिस्टेंस इक्वल टू 0, देन वर्क डन इज आल्सो इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां तक तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हमारा।